जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूदुल हसन तरीन है और अली ग्रुप में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज तक पसे पर्दा आपने हर वीडियो में मेरी आवाज़ सुनी है, लेकिन आज मैं जिस घर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं रूबरू आके पूरा घर एक्सप्लेन करूँ और पूरे घर का आपके सामने विज़िट करवा दूँ। आज जिस प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये DH है तो क्या, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक नाल में एक ऐसा शाहकार है जो कि मैं यकीन और गारंटी से कह सकता हूं कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। एक नाल पर मुश्तमिल ये घर है, फुली फर्निश्ड ये घर है, फुल बेसमेंट के साथ है। इस घर में स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है जिसका कनेक्शन नीचे बेसमेंट से लेकर ऊपर रूफ टॉप तक है, और इसी तरीके से इस घर में आपको ऊपर बड़ा खूबसूरत रूफ टॉप गार्डन एरिया भी मिलता है, जहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं ऑर्गेनिक ग्रास इंस्टॉल की गई है। काफ़ी सारी इस घर की खसूसियात हैं। इस घर का जो अंदर का सिस्टम है वो टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसकी लाइट्स हैं, इस घर में पर्दे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑटोमेटिक इस घर में इंस्टॉल्ड मिल जाता है। ये जो घर है इसकी लोकेशन DHA फेजेट लाहौर है, और इस घर की जो प्राइस है वो 23 करोड़ है। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन के हवाले से आपको बताते हैं। चलिए, फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट के ऊपर टोटली खूबसूरती से टाइल वॉक है, और इसी तरीके से टर्किश पेंट है, और इसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो फ्रंट पे आपको बेल्किनी और उसके साथ ही वेंटिलेशन के लिए खूबसूरती से विंडोज़ को डिज़ाइन किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गैलरिया का प्रोजेक्ट है, तो आपको आगे लिए चलते हैं। सबसे पहले ये आप इसकी एंट्रेंस खूबसूरत देख सकते हैं, आप ये एंट्रेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इतना हल्का एंट्रेंस नहीं है, बल्कि आप तकरीबन कोई 10 से 12 लोग भी इसे आसानी से नहीं उठा सकते। आपको आगे लिए चलते हैं, ये इसका कार पोर्च एरिया है, जहाँ पर तकरीबन आप 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ आसानी से खड़ी कर सकते हैं। इस घर की एक एक जगह, एक एक चीज़ बड़ी यूनिक है, मुँह बोलता ये घर सबूत है। आपको आगे लिए चलते हैं, यहाँ आगे अगर आप आते हैं तो ये आपको इंटरनल लॉन एरिया मिलता है, और इंटरनल लॉन को भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से डिज़ाइन किया है। बाकायदा यहाँ पे आपको खूबसूरत सीटिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपनी सीटिंग कर सकते हैं, अपनी प्यार की कहानियाँ एक दूसरे को आप सुना सकते हैं। आपको आगे लिए चलते हैं, ये इस साइड से भी आप गैरेज का ज़रा फुल व्यू कर सकते हैं, और इस घर में जब आप गैरेज में एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने आपको लॉबी की एंट्रेंस नहीं मिलती, बल्कि इस साइड से अगर आप देखते हैं तो ये जी लॉबी की खूबसूरत एंट्रेंस है, और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये टर्किश पेंट है, और यहाँ पे ये खूबसूरत वॉल पेंटिंग है, ये हैंडमेड है, जहाँ पे अंदर अगर आप देखते हैं तो अरेबिक में पुरानी आयत लिखी गई हैं। आपको लिए चलते हैं घर के अंदर की तरफ। अच्छा जी, ये हम घर में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको ज़रा जो इसकी एंट्रेंस है उसके हवाले से बताते चलें, ये आप खूबसूरत एंट्रेंस देख सकते हैं। अच्छा, जितने भी यहाँ पे डोर्स हैं वो फुल हाइटेड हैं, और यहाँ पे ये वुड वर्क नहीं है बल्कि वुड प्लस टाइल वर्क है। आपने पहली दफ़ा ये एक चीज़ देखी होगी, बल्कि इस घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने आज से पहले एक नाल बल्कि 2 नाल के घरों में भी नहीं देखी होंगी। एंटर होते साथ ही आपके राइट साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये TV लॉन्च एरिया है, और कुछ स्टेप्स नीचे जाते हैं बिल्कुल सामने पाउडर रूम आ जाता है, और ये इस साइड पे ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स के बिल्कुल साथ ही अगर आप देखते हैं तो ये जो डाइनिंग एरिया है, ये अभी आपको ज़रा ओवरव्यू करवा रहे हैं, आपको फुल डिटेल की तरफ भी लिए चलते हैं। ये इस साइड पे खूबसूरत कंसोल है, मज़ीद आपको आगे लिए चलते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर का एक मास्टर बेड है, और बिल्कुल उसके साथ ही ये इस साइड पर ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के साथ ही ग्राउंड फ्लोर का जो मास्टर बेड है वो है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन है। और अब आपको ज़रा आगे डिटेल्स की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं स्टेयर्स की तरफ। स्टेयर्स में अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत लाइटिंग है, और ये खूबसूरत यहाँ पे मार्बल वॉक है, और मुकम्मल वॉल्स पे अगर आप देखते हैं तो पूरे घर में टर्किश पेंट है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कुछ स्टेप्स नीचे जाते हैं, बिल्कुल सामने आपका पाउडर रूम एरिया आ जाता है। वॉल पर ये खूबसूरत वॉल पेंटिंग है, और इसके बाद आपको लिए चलते हैं आगे डाइनिंग एरिया की तरफ। ये जी डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोगों की स्पेस बनती है, और ये खूबसूरत शैंडलियर है, ये फ्रेंच शैंडलियर इसको बोलते हैं। बिल्कुल सामने खूबसूरत वुड वर्क है, और बिल्कुल उसके साथ ही अगर यहाँ पे वॉल पे देखते हैं तो ये वही टर्किश पेंट है, और इस एरिया में अगर नीचे देखते हैं तो ये खूबसूरत वुडन फ्लोर है। इस घर का जो फ्लोर प्लान है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही मुनफरिद ये घर है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ये जी TV लॉन्च एरिया है,
टीवी लॉन्च में आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सीटिंग है, बिल्कुल सामने जी विंडो है, कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं और सीसीटीवी कैमरे पूरे घर में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो खूबसूरत मीडिया वॉल है और ये इस साइड पे ये खूबसूरत सोफा चेयर्स हैं। दरमियान में अगर देखते हैं तो ये आपको दो कॉफ़ी टेबल्स मिल जाते हैं और ये इस साइड पे भी आपको ये खूबसूरत सिटिंग एरिया मिलता है। बैक साइड पे वॉल पेंटिंग्स हैं और ये आर्टिफिशियल यहाँ पे आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर नीचे देखते हैं तो ये जी ब्लैक कलर में वुडन फ्लोर है। आपको ज़रा ये वॉल क्लोज करके भी दिखाते चलें, ये आप देख सकते हैं ये जंजीरें हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बैक साइड पे खूबसूरत ये वॉल प्रोसेस है और ये वही मीडिया कंसोल है। और ज़रा इस साइड से भी आपको फुल व्यू करवाता चलूँ। इस घर को देख के शायरी करने को बड़ा दिल कर रहा है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि आपको बताया कि फुल ऑटोमेटिक ये हाउस है, हत्ता के ये बिल्कुल सामने आप ये पर्दे देख रहे हैं, ये पर्दे भी यहाँ आप बटनों की मदद से खोल सकते हैं। ये देखें, हमने बटन दबाया और अब बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये जो आपका पर्दा है, जो कर्टन्स हैं वो फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा आपका पर्दा है वो भी आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दोबारा दबाते हैं तो ये आपके बंद हो जाएंगे। यहाँ से आपको लिए चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। ये वही खूबसूरत स्टेयर डिज़ाइन है और अब आपका टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहले मास्टर बेडरूम की तरफ लिए चलेंगे, फिर आपको बाकी चीज़ें डिटेल से दिखाते हैं। ये जी खूबसूरत मास्टर बेडरूम है, ब्लैक और रेड यहाँ पे आपको थीम मिल जाती हैं। बिल्कुल सामने जी खूबसूरत मीडिया कंसोल है और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन है और बिल्कुल सामने वॉल डिज़ाइन अगर आप देखते हैं, आपको बाहर जो एंट्रेंस है गैरेज के वो डिज़ाइन और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस घर का जो डिज़ाइन है वो भी एक मुँह बोलता आपको सबूत मिल जाता है। ये मास्टर बेड है, खूबसूरत बेड डिज़ाइन है, यहाँ पर भी ये रिलैक्स होने के लिए आपको खूबसूरत सोफ़ा मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखते हैं तो इस बेडरूम में ये खूबसूरत वुडन फ्लोर है और यहाँ पे ये टर्किश पेंट है और ये हैंडमेड वॉल पेंटिंग है। यहाँ से आपको ज़रा बेडरूम को फुल व्यू करवा दूँ, ये रिलैक्स होने के लिए रिलैक्सिंग चेयर भी आपको मिल जाती है। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, मास्टर वॉशरूम है। वॉशरूम अगर आप देखते हैं तो ये जी बेसिन एरिया है और डबल यहाँ पे वेनिटीज़ हैं। और इस साइड पर अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये जी शावर केबिन है, रेन शावर के साथ। यहाँ पे ये कमोड है जो कि वॉल फिटेड है, मुकम्मल वॉल्स पे खूबसूरती से टाइल वॉक आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी वार्डरोब्स एरिया है, अंदर जो आप देखते हैं तो ये टोटली हैंडमेड आपको यहाँ पे काम मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको दूर से भी दिखाते चले, अब आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से मास्टर बेडरूम की तरफ और फिर आपको आगे लिए चलते हैं किचन की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन है, इंपोर्टेड ये किचन है, खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिज़ाइन किया गया है। हैंडललेस आपको किचन मिल जाता है और फुल हाइटेड आपको यहाँ पे किचन मिलता है। किचन में माइक्रोवेव ओवन है, काफ़ी सारे आपको एक्सेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। नीचे किचन में अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत टाइल वॉक है और दूसरी साइड पर किचन का जो कनेक्शन है वो सर्विस किचन के साथ है, मुलाजमिन वगैरह के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। यहीं से आपको लिए चलते हैं बाहर ग्राउंड फ्लोर के दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का दूसरा मास्टर बेड है, इस बेडरूम में भी ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है, बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है, ये खूबसूरत सोफ़ा चेयर्स हैं, दरमियान में टेबल है, बिल्कुल सामने जी विंडो है, कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं और इसमें नीचे ये वुडन फ्लोर है। और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी खूबसूरत कंसोल है जहाँ पर ये डेकोरेशन पीसेज रखे गए हैं। और ये जी अटैच वॉशरूम है, बिल्कुल सामने वॉशरूम में भी आप वॉल पे देख सकते हैं वही एंट्रेंस वाली यहाँ पे थीम दी गई है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो बेसिन एरिया है और ये इस साइड पे ये शावर केबिन है रेन शावर के साथ, ये आप ज़रा क्लोज करके भी देख सकते हैं। इस साइड पे अगर देखते हैं तो ये जो कमोड है जो कि वॉल फिटेड है, ये वार्डरोब्स आप क्लोज करके देख रहे हैं। आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम में। ग्राउंड फ्लोर तकरीबन फुल डिटेल से आप विजिट कर चुके हैं और अब यहाँ से आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से लॉबी की तरफ। ये वही डबल हाइटेड खूबसूरत आपका डाइनिंग एरिया है, ठीक है। इस साइड पे ये आप देख चुके हैं, ये वही किचन है, बेडरूम है और ये बिल्कुल सामने लिफ्ट है, लिफ्ट आपको अंदर से भी दिखाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर तक जाके आपको दिखा देते हैं और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जी
खूबसूरत कंसोल है जहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और ये डेकोरेशन के लिए खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आर्टिफिशियल ये आम हैं लेकिन सब्ज़ कलर के हैं, वैसे ये मैंगो कलर दे देते हैं बहुत अच्छा हो जाता। मज़ीद आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर आप फुल डिटेल से विज़िट कर चुके हैं, यहाँ से अब आपको लिए चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत अब देख सकते हैं मार्बल का काम है। कुछ स्टेप्स नीचे आए तो यहाँ पे ये पाउडर रूम है, पाउडर रूम में अगर आप देखते हैं तो ये वॉल पे खूबसूरत मोज़ाइक वर्क है। बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो ये जी बेसिन एरिया है और यहाँ पे भी आपको ये कमोड मिल जाता है, इसके जो पाउडर बाथ है वो भी फुल ऑटोमेटिक है। यहीं से आपको लिए चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। ये जी हम आगे नीचे बेसमेंट में, अच्छा बेसमेंट में नीचे उतरते हैं तो उतरते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे आपका ड्राइंग रूम एरिया आता है। ड्राइंग रूम चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, ऊपर सिर्फ टीवी लाउंज एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही ये होम थिएटर है। होम थिएटर के साथ ही यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये ड्रेसिंग रूम है और यहाँ पे भी आपको ये खूबसूरत सीटिंग एरिया मिलता है। ठीक है जी, इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत स्विमिंग पूल एरिया है और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जी लिफ्ट है। लिफ्ट के साथ ही ये बेसमेंट का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। आपको इस साइड से ज़रा फुल व्यू करवाते चलें, ऊपर ये खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा यूनिक काम किया गया है, फुल आर्किटेक्चर वर्क है। आपको स्विमिंग पूल ज़रा क्लोज करके दिखाते चलें, ये जी स्विमिंग पूल है। ठीक है, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, आपको ज़रा चला के भी दिखा देते हैं यहाँ से। ठीक है, बस एक से दो सेकंड आप वेट करते हैं तो आपका ये स्विमिंग पूल चल पड़ता है। ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल का जो पानी है वो चल पड़ा है। अब इसको ज़रा बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये रिलैक्स होने के लिए खूबसूरत सोफ़ा है और बिल्कुल स्विमिंग पूल के किनारे आपको सिटिंग एरिया भी मिलता है। यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और एक नहर के किनारे वाली आप वाइब ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हैं। आपको आगे ड्राइंग रूम की तरफ लिए चलते हैं। ये जी ड्राइंग रूम एरिया है, ड्राइंग रूम में भी आप देख सकते हैं खूबसूरत थ्री सीटर सोफ़ा सीटिंग है। बिल्कुल उसके सामने भी अगर देखते हैं तो वही थ्री सीटर सोफ़ा सीटिंग है। बिल्कुल सामने दो आपको सोफ़ा चेयर्स मिल जाती हैं, दरमियान में ये कॉफ़ी टेबल है और यहाँ पर नीचे अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत टाइल वॉक है और ये इस साइड पे विंडो है, कर्टन्स हैं, यहाँ से आप बाहर स्विमिंग पूल का नज़ारा कर सकते हैं। यहीं से आपको लिए चलते हैं आगे होम थिएटर की तरफ। बिल्कुल सामने ड्रेसिंग रूम है और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी होम थिएटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट के आप मूवी देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सामने आपका प्रोजेक्टर है और ये इस साइड पर आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इस साइड से भी आपको ज़रा इसका व्यू दे दें। मुकम्मल ये साउंड प्रूफ है। यहाँ से आपको आगे लिए चलते हैं, ये हम फिर से आ गए बाहर, ये वही सेटिंग एरिया है। बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक आपको फायरप्लेस मिल जाता है और अब आपको यहाँ से बेडरूम की तरफ लिए चलते हैं। ये जी बेसमेंट के लिए मास्टर बेडरूम है, आप ये देख सकते हैं क्वालिटी पे किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप आके मौके पे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत बेड डिज़ाइन है और ये वॉल पे खूबसूरत आप डिज़ाइन देख सकते हैं। इस साइड से आपको ज़रा व्यू करवाते चले, यहाँ से आप बाहर स्विमिंग पूल का भी नज़ारा कर सकते हैं और बिल्कुल सामने खूबसूरत कंसोल्स हैं, डेकोरेशन पीसेज रखे गए हैं। यहाँ पर अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी भी कर सकते हैं और यहीं से आपको लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये जी वॉशरूम है, वॉशरूम में ये शावर केबिन है, बेसिन एरिया है और ये दहाँ पे भी दरमियान में ये खूबसूरत कंसोल है और ये वार्डरोब्स हैं, आपका ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पे आपको लिए चलते हैं तो ये जी कमोड एरिया है जो कि वॉल फिटेड है और ये बेसिन एरिया आप ज़रा क्लोज करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, ये डबल हमारी वीडियो बन रही है। अब आपको यहाँ से लिए चलते हैं फिर से बाहर और यहाँ से आपको लिए चलते हैं बाहर स्विमिंग पूल वाले एरिया में। बेसमेंट आप फुल डिटेल से विज़िट कर चुके हैं
और ये आपको स्विमिंग पूल एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ। ये एक ऐसा घर है जिसका एक एक कोना, एक एक जगह मुंह बोलता है, एक सबूत है, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। दिल करता बार बार इस घर में घूमते रहें। यहाँ से हम अपना लिफ्ट दबाते हैं। इस वक्त बिल्कुल ऊपर रूफ टॉप पर लिफ्ट गई हुई है, ठीक है, और अब हमारी ये लिफ्ट नीचे आ रही है। यहाँ से आपको लिए चलते हैं सीधा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट के ज़रिए, ठीक है, फिर उसी ऊपर आपको रूफ टॉप एरिया में लिए चलेंगे। जब तक हमारी लिफ्ट आती है आपको ज़रा दूर से फुल व्यू करवाता चलूँ। ये हमारी लिफ्ट भी आ गई है, तो चलिए जी अंदर चलते हैं लिफ्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और नीचे बेसमेंट है। हम सबसे पहले ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ठीक है, फिर यहीं बेसमेंट से ही आपको सीधा ऊपर रूफ टॉप पे भी लिए चलेंगे। इस घर की जो प्राइस है वो 23 करोड़ है, प्राइस निगोशिएबल है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप आइएगा, इस घर को विजिट कीजिएगा। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है जी, फर्स्ट फ्लोर पे आते साथ ही ये आपका मास्टर बेड आ जाता है। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है और ये वही डबल हाइटेड आपका डाइनिंग एरिया है। यहाँ से आपको एक दफ़ा ज़रा दिखा देते हैं, नीचे आपका डाइनिंग एरिया है और बिल्कुल सामने ये दो बेड हैं। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो ये बाहर खूबसूरत आपका टेरेस एरिया है। ज़रा आपको डिटेल एक दफ़ा ओवरव्यू करवा दें। ये एक बेड हो गया, ये जी दूसरा बेड हो गया और वॉल पे नोवा पेंट है और यहाँ से ज़रा फुल व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एक नाल में वाकई इस तरह के आपने घर नहीं देखे होंगे। अभी जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये जो बेडरूम है ये आपको हैरान कर देने वाला है। ये जी बेड है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप इधर देखते हैं तो ये आपका वॉशरूम है। तो ये समझने में बंदा एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि यार मैं इसको वॉशरूम का नाम दे दूं या बेडरूम का नाम दे दूं, लेकिन मैं दाद देता हूं डिज़ाइनर को, मैं दाद देता हूं गैलरिया को जिन्होंने इस तरह का डिज़ाइन हमारे लिए पेश किया है, ठीक है। परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो ऊपर आपको जगह मिल जाती है, आप बिल्कुल इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन आपने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और इस तरह के जो सॉलिड घर हैं, इस तरह के जो खूबसूरत घर हैं, मैंने अपनी हिस्ट्री में आज तक नहीं देखे होंगे। आपको ज़रा डिटेल करवा दें सबसे पहले बेडरूम का। ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन है, ठीक है, ग्रीन कलर में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। वॉल पर अगर देखते हैं तो ये पेंट नहीं है, ये टोटली पोशिश है और ये खूबसूरत मीडिया कंसोल है। ये इस साइड पर रिलैक्स होने के लिए खूबसूरत सोफ़ा है, रिलैक्सिंग चेयर है और ये इस साइड से भी आपको ज़रा बेडरूम को फुल व्यू करवाते चलें। और यहाँ से आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं, यहाँ से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो लुक है वो यकीन करें आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। यहाँ पे ये जकोजी है और वार्डरोब्स हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे आप सामान स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सामने शावर केबिन है और इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी आपका बेसिन एरिया है। बेसिन एरिया ज़रा आपको क्लोज करके भी दिखाते चलें। यहाँ से आपको ज़रा दिखा दूँ, ये कमोड एरिया है। तो जनाब यहाँ पे एयर कंडीशन भी है, आप बैठ के अखबार का मुतालिया तसल्ली से कर सकते हैं। एसी भी यहाँ पे लगाया गया है, आप रिलैक्स हो सकते हैं। और यहाँ से आपको ज़रा एक दफ़ा फिर से बेडरूम को फुल व्यू करवा दूँ। 23 करोड़ जो इस घर की डिमांड है वो प्राइस इस घर को डिज़र्व करती है, क्योंकि आपका 23 करोड़ सही मानों में अगर आपने हलाल करना है वाकई तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये जी दो बेड आ गए, ठीक है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेड है। ये आप खूबसूरत बेड डिज़ाइन देख सकते हैं। इस बेडरूम का जो कनेक्शन है वो दूसरी साइड पर बाहर टेरेस के साथ है, ओपन टेरेस एरिया है। ये खूबसूरत सिटिंग एरिया है, बैक साइड पर खूबसूरत आप बेड वॉल देख सकते हैं और बिल्कुल सामने जी अटैच वॉशरूम है। यही साइड पर खूबसूरत मीडिया कंसोल है और यहाँ से आपको लिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये जी अटैच वॉशरूम है इस बेडरूम के लिए, वॉशरूम में ये बेसिन एरिया आप क्लोज करके देख सकते हैं। बिल्कुल सामने कमोड है और ये इस साइड पे ये शावर केबिन है रेन शावर के साथ और ये जी वार्डरोब्स हैं। और यहीं से आपको लिए चलते हैं बाहर फिर से बेडरूम के अंदर। ये जी बेडरूम का आप इस साइड से भी फुल व्यू देख सकते हैं।
यहाँ से आपको आखिरी बेडरूम की तरफ लिए चलते हैं। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का आखिरी बेड है, इसमें बिल्कुल सामने अटैच वॉशरूम है, ये मीडिया कंसोल है, और ये जी खूबसूरत यहाँ पे ये सोफ़ा चेयर्स हैं, और ये बेड का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल है जहाँ पे वुड वर्क आपको मिल जाता है। इस घर में जो फर्नीचर है वो टोटली सॉलिड फर्नीचर है, क्वालिटी पे किसी हवाले से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये नीचे अगर देखते हैं तो ये खूबसूरत वुडन फ्लोर है, और ये जी अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ट्रेवर्टीन मार्बल का काम है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जी वार्डरोब्स हैं, ये दरमियान में खूबसूरत आपका बेसिन एरिया है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी रेन शावर के साथ शावर एरिया है, और इस साइड पे ये कमोड एरिया है। मुकम्मल वॉल्स पे ट्रेवर्टीन मार्बल का काम है। यहीं से आपको लिए चलते हैं बाहर, फिर से बेडरूम है, और यहाँ से आपको आगे लिए चलते हैं लिफ्ट की तरफ, और फिर लिफ्ट के ज़रिए आपको ऊपर रूफ टॉप गार्डन की तरफ लिए चलेंगे। इसमें नीचे अगर देखते हैं तो ये जी वुडन फ्लोर है, यहीं से आपको लिए चलते हैं लिफ्ट में। फर्स्ट फ्लोर के बाद आपको लिए चलेंगे बाहर रूफ टॉप गार्डन एरिया में। खुल जा सिम, ले जी खुल गया। अच्छा जी, ये बाहर अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत रूफ टॉप गार्डन एरिया है, यहाँ पे भी ये खूबसूरत सिटिंग एरिया है। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, पार्टी वगैरह को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि रूफ टॉप पर अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्रास है ये ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल नहीं है। और बिल्कुल सामने जो कमर्शियल मार्केट है वो DHF Phase 6 की कमर्शियल मार्केट है, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी आपको ये खूबसूरत सीटिंग एरिया मिलता है, खूबसूरत यहाँ पे आप सीटिंग कर सकते हैं, प्यारी प्यारी यहाँ पे आप बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं, अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ स्टेप्स नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी ये खूबसूरत आपको सीटिंग एरिया मिल जाता है। अच्छा, इस घर की जो लोकेशन है वो DHF Phase 8 लाहौर है, काफ़ी अच्छी और बेहतरीन इस घर की लोकेशन बनती है। और इस घर की जो प्राइस है वो 23 करोड़ है। सही मानों में अगर आपने 23 करोड़ को हलाल करना है तो आप यहां पे आ सकते हैं, इस घर पे पहुंच सकते हैं। 23 करोड़ इस घर की डिमांड है, आप आइएगा, इस घर को विज़िट कीजिएगा। और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने नेक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।